तो चलिए अब देखते हैं कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसे दिखता है। तो हमने पढ़ा है कि फॉर एन इंडक्टर V अगर Vn sin ओमेगा t होगा तो I होगा Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब यह है कि करंट वोल्टेज को पाई बाई टू रेडियन से लैग करता है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो आपके सामने ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो रेड कलर ग्राफ है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्रीन कलर्ड ग्राफ है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर ग्राफ वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी, जिसका मतलब ये है कि वोल्टेज जीरो होता है ओरिजिन पे। बट अगर आप सेम चीज ग्रीन कलर की ग्राफ जो कि करंट की ग्राफ है वहां देखो, करंट जीरो होता है पाई बाई टू डिग्रीज पे। इसका मतलब ये है कि करंट अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों वोल्टेज के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बाद रीच करता है और इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 1/4 ऑफ अ साइकिल है। इसको मैं 1/4 ऑफ अ साइकिल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पाई बाई टू का डिफरेंस है और एक पूरा साइकिल 2π रेडियंस होता है। इसका मतलब ये है कि पाई बाई टू का मतलब 1/4 ऑफ अ साइकिल होता है। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के 1/4 पीरियड के बाद रीच करता है। अगर मैं फेजर बनाऊं इसका, करंट फेजर आई ऑब्वियसली वोल्टेज फेजर के पाई बाई टू पीछे होगा। तो वोल्टेज अगर इस डायग्राम में जैसे रेड कलर्ड फेजर से रिप्रेजेंटेड है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि करंट पीछे है बाई पाई बाई टू। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जानना चाहते हैं वोल्टेज और करंट की, वो फेजर से पता कर सकते हैं। क्लियरली वोल्टेज का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वो वी एम साइन ओमेगा टी वन होगा, करंट का प्रोजेक्शन होगा ऑन द वाई एक्सिस आई एम साइन ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू। इवन दो द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अगर आप देख करंट एंड द एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वन, बट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वन क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए प्रोजेक्शन को हम लिखते हैं एज आई एम साइन ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू। अगर हम साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं करंट और वोल्टेज की, वो इस डायग्राम इस सिमुलेशन में जैसे आप देख सकते हैं वैसे रिप्रेजेंट होगा। तो क्लियरली वोल्टेज पहले मैक्सिमम होता है और उसके पाई बाई टू